लवर ना तो तुम पहले ही सीधा डिसाइड हो जाता भी यह मूवी आ रोमांटिक होगी कि स्टोरी जो फस्ट टाइम सुनी तो वो बड़ा कुछ से जो अज तो दस साल दस बारह साल पुरानी स्टोरी है बड़िया सोहनी सोहनी चीज़ा वर्क किया भी जो टाइम हों कि प्यार हों अज तो बहुत मॉडर्न हो गया प्यार जिदा कि तो वो बड़े निके निके ट्विस्ट ने जिन्हें वो टाइम अज तो दस बारह साल पहला स्कूलिंग रही अपने बड़ी चीज़ा कनैक्ट करे तो ये एक लवर आ जिन्हू स्कूल जा रहा तो एक कुड़ी के लिए लाइफ सिर्फ वो प्रेमिका वह प्यार है जोड़ा वो स्कूल अभी मैटर नहीं कर रहा मतलब जो एक टीनएजर की एक सोच होंगी है ना वो आ पर उस बाद लाइफ प्रॉब्लम आदि ने लव स्टोरी हरेक ही आदि जिदा तो वह फैमिली का अंडरस्टैंडिंग किमें चलती उन्होंने कि एक दूजे लिए सैक्रीफाइस करते हैं वो सारा कुछ देखने को मिलेगा पर कलर बहुत ने मूवी देखने जो मिलने के सो बेसिकली इट्स अ लव स्टोरी और इस फिल्म में आपको वही चीज़ें देखने को मिलेंगी जब आप जाके देखेंगे आपको पता चलेगा कि हर एज ग्रुप के लिए दिस फिल्म फॉर एवरी एज ग्रुप असी अपने को बहुत ज़्यादा कोशिश की है म्यूजिक पर वर्क करने की कि निकी निकी चीज़ पर जो वर्क है वो एक डेढ़ साल तो म्यूजिक पर बड़ा वर्क किया इदा शूट से कि म्यूजिक करके फिर प्ले करना पे भी हाँ गाना परफेक्ट अजे बनया नहीं है भी जो म्यूजिक चाहिए तो वो शूट वह डिले करके अगे जाके भी शूट करते रहेंगे म्यूजिक की कोई कमी ना रहे